The Chief Minister of Arunachal Pradesh Pema Khandu has stated that the state government is ready to discuss all the issues related to APPSC issue and all the 13 points demanded by the protesters will be discussed. The CM said the issues will be discussed on Saturday and appealed the PAJSC, APPSC, and all stakeholders to join the meeting. थोड़ा बहुत लॉ एंड इशू लो एंड ऑर्डर का इशू को देख पा रहा है सोशल मीडिया में जबकि ये अपना अरुणाचल का पीस के लिए ये अच्छा बात नहीं है तो इसमें मैं कुछ क्लैरिटी अरुणाचल प्रदेश का जनता के सामने में रखना चाहेगा अभी जो मैटर को लेके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में आउट जो हो रहा है बेसिकली ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला हुआ है वेरी अनफॉर्चुनेट घोटाला हुआ है उसका कारण से अभी ये जो लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिल रहा है आप सभी अरुणाचल प्रदेश का जनता को पता है कि जब ये पेपर uh, लीकेज का मैटर जब आया तो गवर्नमेंट ने उसको विद आयरन हैंड हम लोग ने पूरा टैकल किया है हम लोग भी बहुत ही कंसर्न है जितना अपना अरुणाचल प्रदेश के पेरेंट्स जितने हमारे यूथ्स आप लोग जितना कंसर्न है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा सरकार भी उतना ही हम लोग कंसर्न है इसको देखते हुए पब्लिक मेमोरेंडम का मुताबिक इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट करने के लिए सभी लोग ने मांग किया है कि इसको सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे सीबीआई को देना है तो सरकार ने साथ ही साथ पूरा एपीसीएस का मैटर को सीबीआई को ट्रांसफ़र भी कर दिया है मैंने डे वन से ही कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनमस एक बॉडी है उसको सिस्टम को ओवरहोलिंग करना ज़रूरी है टॉप टू बटम इसीलिए जितने भी हमारा फॉर्मर जो मेंबर्स और चेयरमैन उन लोग ने रिज़ाइन कर दिया था इसके बाद सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग थे क्योंकि ऑटोनमस है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में आता है उसके लिए अलग से कैबिनेट बैठा के उसको भी हम लोग ने सर्विसेज को भी मर्जर सिविल सेक्रेटरीट के साथ में मर्जर भी कर दिया तो हम चाहते हैं कि जो अभी जो वैक्स इशू में जो पूरे ये पब्लिक सर्विस कमीशन का वजह से जो फंसा हुआ है उसको क्लिनजिंग करना ज़रूरत है तो इसलिए नया कमीशन का भी एडवर्टीजमेंट किया उसको नया कमीशन को भी गठन करके स्वयरिंग इनका जो बात जब चल रहा था तो मैं सोचा कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये अच्छा बात है क्योंकि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन नहीं होगा उन लोग फिर आगे का जो रणनीति है जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है